हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रितेश। हमारे पेशेंट जो अभी है बैक पेन से रिलेटेड है, बैक पेन से पीड़ित है, जिनका हम लोग ये MRI स्कैन देख सकते हैं। ये सारा MRI स्कैन है इनका, L5 और L4 का हम देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्टेरियर डिस्क बल्ज है, यहाँ पे नर्व को यहाँ कंप्रेस कर रहा है। डिस्क स्पेस देख रहे हैं, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये सारे व्हाइट दिख रहे हैं। न्यूक्लियस फॉर्म जो होता है इसमें वो कम है, और ये डिस्क बल्ज होकर के स्पाइनल नर्व को टच कर रहा है, इसके कारण इनका बैक पेन आ रहा है। इनका रिटर्न रिपोर्ट भी है, इसको हम लोग देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भी वही है, पोस्टेरियर डिस्क बल्ज जो है। और बाकी इनका एक्सरे कॉपी भी है, देख सकते हैं। ये पोस्टेरियर यहाँ पे जो स्पेसेस है काफ़ी कम है, स्पेसेस काफ़ी है और यहाँ पे काफ़ी कम है। इस पार्ट को आकर के टच कर रहा है, जिसके कारण नर्व कंप्रेशन हो रहा है और उनका बैक पेन जो है, पेन जो रेडिएट कर रहा है नीचे लेग तक, हिल तक जाता है और एक पैर में अपर तक रहता है, नी तक रहता है। और बाकी मैं चलता हूँ, पेशेंट से मिलता हूँ। हेलो सर, कहाँ से हो सर आप? मैं ऐसे झारखंड से हूँ, सरैयाहाट से, दुमका डिस्ट्रिक्ट। क्या प्रॉब्लम है? मेरा बैक पेन प्रॉब्लम था और ये मुझे काफ़ी वर्षों से प्रॉब्लम था, जिससे कि कहा जा सकता है मैं थक चुका था। बहुत दिनों से ट्रीटमेंट करा रहे थे, मुझे राहत नहीं मिल रही थी। अभी तक में कितनी सीटिंग हुई है आपकी? 2 सीटिंग हुई है, मेरी 3री सीटिंग है। पहले से कैसा लग रहा है? पहले से मुझे बेटर फील हो रहा है। जो मेरा पेन नीचे तक जाता था वो पेन अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पे फंस रहा है पेन मेरा पैर में, और एक पैर तो पूरा जाता है पाँव तक, उंगली तक, और एक नी तक आता है इसमें। और ये जकड़न है अभी तक मौजूद है, लेकिन उतना पैन नहीं हो रहा है, बस जकड़न अभी भी मौजूद है। ओके। जैसे कि मैंने बताया था L5 और L4 जो रेफरेंसेस जो कम हुआ है, जो पोस्टेरियर डिस्क बल्ज है, ये पार्ट है, यहाँ से सियाटिक नर्व भी होकर के निकलता है। यहाँ कंप्रेशन के कारण सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रहा है, जो कि पेन नीचे तक जा रहा है। थोड़ा हम लोग फिक्स करेंगे L3 एंड S1 थोड़ा से डी कंप्रेस कर, थोड़ा स्ट्रेच गैप, बीच का जो गैप है थोड़ा मेंटेन करने के लिए L3 और S1। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। L5 और 4 का जो पोस्टीरियर बन जाए, थोड़ा L4 और 5 को थोड़ा फिक्स करेंगे, बॉडीज को लाइक स्पाइनस प्रोसेस फिक्स, लिटिल बिट रोटेट, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट। वन साइड टर्न होंगे, बैक नहीं जाना। Little bit problem here, like 4 and 5. What's happening now? Tell me what happened. Give it a close.
decompression, like lumbar region and thoracic region, like a stretch here, this type. Make a decompression. Take a deep breath. Sit down. इस पैर में अलग आता है ये बैक साइड से थोड़ा ऊपर जाएंगे इस पर ग्लूटियस मसल्स लाइक हियर इस पर ग्लूटियस मसल्स लाइक हियर यहाँ से सियाटिक नर्व होते हुए गुजरता है इसे मैं थोड़ा फिक्स कर रहा हूँ इसको इस तरह से थोड़ा इसको प्रेस करके मैं होल्ड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स इससे क्या होगा तो सियाटिक नर्व में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है अगर हम लोग प्रेस करके अचानक छोड़ेंगे तो ब्लड का फ्लो फास्ट होगा ये 2 2 3 3 डाइव प्रेस यूज टेक अ डीप ब्रेथ ब्रेथ आउट This adjustment for like thoracic and lumbar sacral. The stretch for whole spine. That's good. जस्ट थोड़ा वॉक करेंगे कैसा फील हो रहा है आपको बेटर फील हो रहा है आज आपका थर्ड सेटिंग था ना हाँ थर्ड सेटिंग इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको और भी सेटिंग्स हो सकती है तो अभी का जो मैंने हम लोग कहा था ऐसा कि थ्री सेटिंग देकर के पेशेंट को रेस्ट केलिंग बहुत बोलते हैं जैसे कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना फिर वो जैसा बॉडी का अपना होता है हीलिंग कैपेसिटी उसके अनुसार किसी का तो 3 सेटिंग में क्योर हो जाता है किसी किसी का उसके अनुसार होता है अपनी बॉडी के अनुसार होता है ठीक है तो इसके बाद अगर जैसा भी होगा 1 महीना 1.5 महीना बाद इन्फॉर्म करेंगे और जैसा अगर आना होगा तो आकर के मिल लेंगे आप ठीक है जी बाकी आप पहले से कैसा फील कर रहे हैं अच्छा बेटर फील कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक छोटी सी परमिशन क्या इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ जी बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है जी थैंक यू जी